नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ अभी दो बेटे मेडिकल के हैं और खास बात है रिजल्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप सौरभ यादव हैं, आप 12th के साथ मेडिकल में हैं, आप वेद जांगिड़ हैं, विद 12th आप मेडिकल में हैं और हमारा सौरभ यादव भरतपुर से, भरतपुर का बहुत है बेल्ट हमारा। बहुत पहले बच्चे वो डीक से थे, बयाना से थे, पहले हमारा वो लड़का पार्थ बंसल था, वो आपका से नगर से बच्चा था। ये एक परिवार है, सबके परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं सीधा सीधा बच्चों को माइक लेकर आना चाहता हूँ कि बच्चे अपनी बात रखें। तो सबसे पहले मैं सौरभ यादव को माइक दूंगा। सौरभ यादव जो विद 12th, जिस बच्चे का मार्क्स है 660, बेटा आप लोग माइक खोल देना। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सौरभ यादव, माई ऑल इंडिया रैंक इज 2679 एंड माई नीट यूज स्कोर इज 660। तो मैंने अपनी फाउंडेशन स्टार्ट की थी 2019 में, वहीं जयपुर ब्रांच से, CLC से। एंड मेरी 11th 12th मैंने की है दिल्ली से। आप लास्ट में कहा रहे एंड लास्ट के 3 मंथ मैंने हॉस्टल बी बिल्डिंग हॉस्टल में रहा था मैं, जिसके कारण मेरा जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो पाया, अदरवाइज तो सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा नहीं, सिलेक्शन आपको होता है बेटा। थैंक यू। आप मम्मी को बाइक देखा पहले, आप बोले सभी को नमस्कार। इसने 11th CLC की जयपुर ब्रांच से की थी, उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया था तो ये घर पे ही ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था फोन से 12th में। फिर 12th में फिर बॉस का फोन गया था जून में, तो फिर इसको यहाँ पे भेज दिया 2.5 महीने के लिए और उसके बाद ये फिर यहाँ से सिलेक्ट हुआ। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जयपुर का बच्चा है, नाटा का बच्चा है, 5-6 क्वेश्चन फिर रह गए नीट में, इसके कारण तो स्कोर पीछे हो गया, फिर भी आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। वेद जांगिड़, जय श्री सी। मैं वेद जांगिड़ जयपुर से, और हमने जैसे कि सब 10th के बाद से स्टूडेंट आते हैं, तो मैंने भी फाउंडेशन का स्टार्ट सोचा था, तो हम CLC आए और जुड़ने के बाद में ऐसा कुछ अलग नहीं लगा, बिल्कुल घर जैसा माहौल था और तभी से इम्प्रूव करना शुरू किया। और बॉस के सेमिनार वगैरह जो सेरेमनी होते थे, मेडल सेरेमनी थे, मोटिवेशन थे, स्पीच थे, वो सभी हमको बहुत अच्छे से गाइड करते थे, और तब से मैं शुरू करते थे। अच्छे स्कोरिंग रहा 11th में भी, और 12th में जैसे कुछ महीने घर पर पढ़ाई करनी पड़ी लॉकडाउन की वजह से, ऑनलाइन ही पढ़े, तो बट इसमें कुछ डिफरेंस नहीं लगा हमको, क्योंकि बॉस दूर रहते भी साथ ही रहते थे, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े रहते थे हमसे, तो बिल्कुल अपना सा ही लगा बिल्कुल, और कोई दिक्कत नहीं ऑनलाइन पढ़ने में। CLC के ऑनलाइन क्लासेस मुझे लगता है सबसे अच्छे थे, और उसके बाद में टेस्ट वगैरह सब कुछ स्टार्ट किए बॉस ने, तो उन सबसे काफ़ी अच्छा कंटेंट हमें मिलता रहा और हमने इम्प्रूव किया और अच्छे स्कोर में चले गए थे। और एग्ज़ाम में थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई मेरे से, तो स्कोर डाउन हो गया। और आपको मैं यही मैसेज देता हूँ सभी स्टूडेंट को कि अगर आप नीट जेई के लिए सोच रहे हैं तैयारी करने की, तो आप सीकर को चुन लीजिए, और सीकर को अगर आपने चुन लिया तो CLC के अलावा और किसी को चुनने की आवश्यकता नहीं है, CLC को चुनिए, क्योंकि यहाँ से आप आएंगे जरूर मंजिल की ओर जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।